हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हमारी जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं, डेयर टू सॉल्व जो हमारी एक सीरीज चल रही है और उसमें वॉल्यूम हम ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, ताकि जो कॉमन एरर का सेगमेंट है पेपर में आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ। ओके, और हैंडल कब करेंगे? जब आपको परफेक्ट नॉलेज होगी। तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट आपको पूरा जो हमारी सीरीज है डेयर टू सॉल्व एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन बुक से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे अपने थॉट हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर जो है आपके सामने लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। तो बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेरीज हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। और ये वॉल्यूम 9 है, इससे 8 वॉल्यूम पहले आ चुके हैं। तो हर एक वॉल्यूम को आप देखिए, क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, सॉल्व कीजिए और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को आगे इन्हेंस कीजिए। तो चलिए बच्चों, इट वॉज वाइजर इनफ टू टैकल द सिचुएशन इन एन एडिक्वेट मैनर। ये बहुत ही समझदारी वाला काम था कि हमने सिचुएशन को, स्थिति को जो है हैंडल किया बहुत ही अच्छे तरीके से। एडिक्वेट क्या होता है? सुटेबल, अप्रोप्रिएट। आप जानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत जब इट से होती है तो इट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो इट के साथ कभी हैव नहीं आएगा, ना आर आएगा, ना ही वर आएगा। हेल्पिंग वर्ब का नेचर कैसा होगा? दैट विल बी ऑलवेज सिंगुलर इन ऑल द सर्कमस्टेंसेज। दूसरी बात, तो वो तो एरर है नहीं। इनफ जब वर्ड जहाँ भी आता है, इनफ, और इससे पहले कोई एडजेक्टिव जब होता है, जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं वाइजर एडजेक्टिव है। ठीक बच्चों, ये मिटा देते हैं ताकि यहाँ पर माइंड डाइवर्ट ना हो आपका। तो इनफ से पहले जब भी कोई डिग्री आती है सेंटेंस में तो डिग्री आपकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब तीन प्रकार की डिग्री ग्रामर में होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो बच्चों जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी। तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो यहाँ कौन सी डिग्री चाहिए आपको? वाइज चाहिए, क्योंकि वाइज हमारी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। सो व्हाट वी हैव लर्नड बाय दिस डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत से हमने क्या सीखा है कि जब भी इनफ वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बीच में कहीं भी होता है और उससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, द नेचर ऑफ एडजेक्टिव या उसकी डिग्री जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो कौन सा चाहिए? वाइज आएगा। ए मैरर हुआ। कंसेप्ट किसका है? एडजेक्टिव चैप्टर का है। आगे चलिए, नंबर दो, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वर सप्लाइड टू द NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन दिस केस। जानकारी का एक हिस्सा जो दिया गया है, किसको दिया गया? NIA को, इस केस के सिलसिले में। ठीक है, सॉरी बच्चों, आप जानते हैं इंफॉर्मेशन ऐसी नाउन है जिसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आती है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये किससे प्रभावित होती है? ये किसी डिटर्मिनर से प्रभावित नहीं होती है, ना सम से, ना सेवरल से, ना मैनी से। तो ये किससे प्रभावित होती है? ये होती है फ्रेज से, ए पीस ऑफ। आप जैसे जानते हैं ए लॉट ऑफ सिंगुलर होता है और उसका प्लुरल फॉर्म क्या होता है? लॉट्स ऑफ। ऐसे ही ए पीस ऑफ सिंगुलर होता है और इसकी प्लुरल फॉर्म क्या होती है? पीसीज ऑफ। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि हमारी फ्रेजल सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? वो सिंगुलर होगी, वॉज। ए मैनर हुआ। तो अगर यहाँ होता प्लुरल पीसीज ऑफ तो क्या होता? वर होगा। तो हमने क्या सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, वो फ्रेज पर डिपेंड करते हैं जो उनसे पहले प्रयोग में आती है। अगर ये फ्रेज सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर फ्रेज प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? दैट विल बी प्लूरल एज वेल। तो बताइए, समझ में आया नहीं आया? नाउन चैप्टर का कंसेप्ट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पाते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन यूपीए गवर्नमेंट। यूपीए गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? यूपीए गवर्नमेंट, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर सम ऑफिसर्स। इन्फॉर्मेटिव क्या होता है? बेनिफिशियल, लाभदायक। जब भी हम किसी सेंटेंस को देखते हैं और उसमें नाउन ऑफ नाउन की स्थिति है तो पहले नाउन से पहले क्या प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल, जो हम बार बार हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ इन आया हुआ है तो वो केस तो खत्म हो गया। तो लेकिन हमें दूसरा एस्पेक्ट ये देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके मुताबिक चेंज होती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशासनिक सेवाएँ, प्रशासनिक सेवाएं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के मुताबिक जो है हेल्पिंग वर्ब जो है प्रभावित होगी। अब सर्विसेज हमारा बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो बच्चों वर्ब का प्रयोग होगा, वर आएगा। तो यहाँ कौन जो है, कौन सा शब्द जो है इस हेल्पिंग वर्ब को प्रभावित करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट।
द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन यूपीए गवर्नमेंट वर इन्फॉर्मेटिव फॉर सम ऑफिसर्स, वो कुछ ही अधिकारियों के लिए लाभदायक थी जो गवर्नमेंट से बहुत क्लोज थे। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ कंसेप्ट किसका है, रोल ऑफ अ सब्जेक्ट, किससे लिया गया है, सिंटेक्स से या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स आप कह लीजिए। चलिए आगे चलिए, द फॉलोइंग आर द नोशन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन इन द कंट्री। नोशन क्या होता है, आइडिया, विचार, ख्याल, और सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है, सामाजिक एकता, सामाजिक तौर पर संगठित होना, इट इज सेड टू बी सोशल इंटीग्रेशन। तो कंसेप्ट इसमें यह है कि जब सेंटेंस की शुरुआत फॉलोइंग से होती है, ये चार वर्ड होते हैं, चार कंसेप्ट हैं, फॉलोइंग, अंडरसाइन, फॉर्मर और लेटर। लेटर कौन सा, एल ए डबल टी ई आर वाला, पत्र वाला नहीं, वो एल ई वाला होता है। तो इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो नेक्स्ट वर्ड पर निर्भर करती है कि नेक्स्ट वर्ड का नेचर क्या है, नेक्स्ट नाउन का नेचर क्या है। और जो नाउन नोशन हमने यहाँ लिया है बच्चों, इसका जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है जो कि सिंगुलर होती है प्रकृति में, नेचर में, तो इसके कारण हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर होगी, इज आएगा, ए मैरर हुआ, बात समझ गए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रभावित होगी नेक्स्ट नाउन से, जैसा देयर वाले में बताया था आपको जो है। और कौन कौन से वर्ड हैं, नंबर एक द फॉलोइंग, नंबर दो द अंडरसाइन, नेक्स्ट नंबर तीन द फॉर्मर, और चौथा क्या है, द लेटर। कंठस्थ हुआ क्या नहीं हुआ, सो नाउ द इन्फॉर्मेशन शुड बी क्रेम्ड इन द माइंड ऑफ योर्स। तो सेंटेंस की शुरुआत जब भी इनसे होती है तो हेल्पिंग वर्ड जो इनमें चेंज होती है वो नेक्स्ट वर्ड के मुताबिक चेंज होती है, जो कि नाउन होता है, नाउन वर्ड होना चाहिए, और जो जैसी नाउन होगी वैसे हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है जी, तो नोशन हमारा ख्याल जो है, ठीक है, ये हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इज आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है दैट इज सिंगुलर इन नेचर। बासन भाई, तो बच्चों यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, और क्वेश्चन के साथ मैं अभी आता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट को आगे हम जो है बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डेयर टू सॉल्व के अंदर वॉल्यूम 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9 है ये, वॉल्यूम कहिए, एक्सरसाइज या सेट कहिए, कुछ भी कहिए, तो हमारा जो प्राइमरी पर्पज़ है वो कल प्रैक्टिस करना है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन के सामने जो है को लेकर आपके सामने हूँ, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको थ्रोली, और थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं आपके नॉलेज को कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द यू कैन से लेक्चरेट ऑफ योर टीचर्स, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है, मुझसे पढ़े तो मुझसे क्या सीखा है, या अदर टीचर से पढ़े तो क्या सीखा है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टडी कर लेते हैं। हर साइट वॉज एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या होता है, क्लियर इन दिस मैटर, तो उसका दृष्टिकोण था जो था, साइट यहाँ किसको शो करा, दृष्टिकोण से, ठीक है, दृष्टि भी होती है, वो स्पष्ट था इस विषय में। तो आप बच्चे जानते हैं कि साइट एक ऐसा वर्ड है, सेपरेशन, लीव, साइट, फेवर, सेपरेशन, लीव, साइट, फेवर, ऐसे वर्ड होते हैं कि इनसे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग आप नहीं कर सकते, और खासकर कौन से एडजेक्टिव का, पजेसिव एडजेक्टिव का। और आप जानते हैं हिज, माई, आवर, योर, देयर, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। तो सेंटेंस की सही अवस्था क्या होगी अगर ये नहीं आएगा, तो आप ये कह सकते हैं साइट ऑफ हर्स, ऐसा कह सकते हैं, बात सुना जी, प्रोनाउन कह लीजिए, या साइट ऑफ हर, ऐसा कह सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए इसके बाद में, या आप क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन इनसे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग दैट विल बी प्रोहिबिटेड, दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो आप नहीं कर सकते, बात समझ गए। आप ये नहीं कह सकते हर साइट या हिज साइट, देयर साइट, योर साइट, बल्कि आपको उनको पजेसिव प्रोनाउन के रूप में लेना होगा, साइट ऑफ हर्स, साइट ऑफ योर्स, साइट ऑफ देयर्स, या ऑब्जेक्ट के रूप में, तब जाकर सेंटेंस कहीं आपका करेक्ट होगा। तो बात समझ गए, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है सो बी कॉन्शियस, बी केयरफुल, पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बात समझ गए, कंसेप्ट क्लियर। कंसेप्ट कहाँ से लिया है, एडजेक्टिव से, तो एरर कहाँ हुआ, ए में है, बात स्पष्ट हो गई। नंबर दो पाइए, द एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स ऑफ एनडीए गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फार साइडेड आउटकम। फार साइडेड आउटकम क्या होता है, दूरदृष्टि परिणाम, ये दूरदृष्टि हो गए, और ये आउटकम क्या होते हैं, परिणाम, रिजल्ट। तो बच्चों इस सेंटेंस में अगर आप देखें क्या स्थिति बन रही है, नाउन ऑफ नाउन, और जहाँ नाउन ऑफ नाउन होती है तो पहले नाउन से पहले क्या प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल, जो कि हमने यहाँ प्रयोग भी किया हुआ है, द,
उस आधार पर तो एरर है नहीं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसी कंसेप्ट का कि हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो किसके मुताबिक होनी चाहिए, फर्स्ट नाउन के, और पहले नाउन हमारे क्या है, स्कीम्स। स्कीम्स ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो क्या प्रयोग करेंगे, आर, तो उसका भी एरर नहीं है। बात समझ गए, तो उस आधार पर भी एरर नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातों को एनालाइज करके हमें फाइंड आउट करना होता है कि नेचर ऑफ द मिस्टेक क्या सेंटेंस में, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये आइडिया से बिल्कुल नहीं हो सकता। जब नॉलेज में परफेक्शन होगा, ठीक है, तभी हो सकता है। और ये परफेक्शन कैसा आएगा, जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे इंग्लिश को, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो है, तो बच्चों इसमें एरर क्या है, कोई एरर है क्या इसमें, इसमें कोई एरर सेंटेंस में नहीं है, सेंटेंस हमारा अप्रोप्रिएट है। डबल टिक का मतलब है सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे चलिए, आई वर इन द ऑफिस, आई वुड हेल्प्ड यू इन द एनुअल रिपोर्ट। यदि मैं ऑफिस में होता तो एनुअल रिपोर्ट की तैयार करने में, उसको प्रिपेयर करने में मैं आपकी सहायता करता। ये सेंटेंस हमने कंडीशनल सेंटेंस से लिया है। आई वर इन द रिपोर्ट जो है, इन द ऑफिस जो है, ये वास्तव में किसको शो करता है, इफ आई वर, ये इसका सही रूप है। क्या बना, आई वर जो है केवल, या इसको हम यहाँ से हटा लें, केवल मैं इसी को ले रहा हूँ, आई वर को मैं क्या कह सकता हूँ, इफ आई वर। तो कहीं ना कहीं जो वर है ये किसके स्थान पर आ गया है, आगे जो है, ठीक है। तो आई वर इन द ऑफिस, तो बच्चों ये जो है सेंटेंस हमारा ये था, वर आई इन द ऑफिस, ये सेंटेंस मुझसे मिस्टेक होगी, थोड़ा ठीक कर लेना माइंड में, कि वर पहले आ गया है, वर आई इन द ऑफिस। और इस प्रक्रिया को जहाँ सब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है सब पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्शियल इन्वर्जन। तो वास्तव में सेंटेंस ये था, वर आई इन द ऑफिस, ठीक है, तो इसका सही रूप क्या होगा, इफ आई वर इन द ऑफिस। वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, मैं लिखना कुछ और चाह रहा था। कई बार हमसे भी एरर हो जाते हैं लिखने में, क्योंकि आपको डिस्प्ले करने से पहले सारी चीज़ मुझे लिख रखनी पड़ती है, और किसी बुक से मैं कोई क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद तैयार करता हूँ इनको, ये समझ लिए बच्चों। तो आइए, वर आई इन द ऑफिस, आई वुड हेल्प यू इन द एनुअल रिपोर्ट। तो वास्तव में सही अवस्था क्या, इफ आई वर। और वर आई किसके तहत आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं पार्शियल इन्वर्जन के, जिसकी उपयोगिता, जिसका रिलेवेंस हम कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं, तो कंजक्शन में और एडवर्ब में भी इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। और जब पहली क्लॉज सिंपल पास्ट में होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लॉज किस में होगी, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्प आएगा, हेल्प आएगा, हेल्प आएगा जी, हेल्प आएगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कि अगर ये मान लो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होती, तो नेक्स्ट क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस में किस में होती है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो हेल्प आएगा, हेल्प आएगा, हेल्प आएगा जी। तो एरर कहाँ हो गया बच्चों, बी में हो गया। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलिए, इफ़ यू हीट द आइस, अगर बर्फ को गर्म करते हो, इट टर्न इनटू वाटर अल्टीमेटली, तो अपने आप ही स्वतः ही ये पानी में बदल जाती है, राइट। ये भी हमने कंडीशनल सेंटेंस का कंसेप्ट लिया है कि अगर पहली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में है और सेंटेंस में किसी अल्टीमेट काम की बात हुई है कि एक कार्य दूसरे कार्य से प्रभावित होता है, स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, तो उसमें दोनों क्लॉज या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेंगी या दोनों क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होंगी, ठीक है। तो बच्चों ये जो पहली क्लॉज आप देखिए, इफ़ यू हीट द आइस, ये किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो नेक्स्ट क्लॉज में टर्न्स आएगा, टर्न्ड आएगा, टर्न्स आएगा, टर्न्स। बात समझ गए, इट टर्न्स इनटू वाटर अल्टीमेटली, या टर्न्स द वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये हो बच्चों कि इसमें जो क्लॉज होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगी, और इसमें कैसा कार्य हो रहा है, अल्टीमेट हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। तो जो कार्य क्लॉज में कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, स्वतः ही होते हैं, उनमें दोनों क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगी या पास्ट इंडेफिनिट। आगे चलिए, तो क्लियर हुआ आपको। मैनी के बाद कंसेप्ट ये है, मैनी के बाद जब भी आर्टिकल आता है, या तो ए का प्रयोग होता है या एन का, तो पहले ये चेक करते हैं कि आर्टिकल का पोजीशन करेक्ट है। तो सी जो आप जानते हैं इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं, उसमें 5 क्या होते हैं वोवेल्स और 21 क्या होते हैं कंसोनेंट। तो पहले ये चेक कीजिए क्या इस आर्टिकल की पोजीशन करेक्ट है इस एडजेक्टिव के मुताबिक। सी हमारा क्या है बच्चों, कंसोनेंट में आता तो आर्टिकल की पोजीशन तो ठीक है,
और मैनी के बाद जब भी आर्टिकल आता है तो नाउन कैसी होती है? सिंगुलर। तो नाउन बच्चों सिंगुलर होगी, अफेयर्स आएगा, अफेयर आएगा, अफेयर आएगा, वॉज का प्रयोग करेंगे, वर्ग का वॉज आएगा। तो क्या बना? मैनी ए कॉर्पोरेट अफेयर वॉज डिस्कस इन द मीटिंग। तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान रखना होगा, हमें जो है नाउन रखनी है सिंगुलर, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जांपल, मैनी ए स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। वॉज ए वर्ब, वॉज। मैनी ए बिजनेस मैन, एम एन वाला, वॉज एवर, वॉज। तो मैनी के बाद जब भी आर्टिकल आता है नाउन सिंगुलर होगी और उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब भी होगी। ये दोनों प्लूरल कब होते हैं? अगर मान लो आर्टिकल की बजाय प्रेपोजिशन होती मैनी ऑफ या ए ग्रेट मैनी ऑफ, तो नाउन और हेल्पिंग वर्ब दोनों कैसे होते? प्लूरल। तो बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ जो आपने नेक्स्ट सेगमेंट में सीखा क्वेश्चन में, कि किस प्रकार से नाउन और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार के कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप बच्चे इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चन के सामने साथ आपके सामने आता हूँ, ठीक है, कॉपी करो। सभी प्यारे बच्चों देखिए वॉल्यूम 9 का लास्ट सेगमेंट ले लेते हैं, काफ़ी हम इसमें डिस्कस कर चुके क्वेश्चन जो है, कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए थोड़ा फोकस आइए आपका, थोड़ा माइंड लगाइए क्वेश्चन पर और इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट हेल्प गो देयर फॉर दिस डीड, डीड क्या होता है? वर्क विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है, कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, कैन नॉट हेल्प मतलब रोक पाने से है, वहाँ जाने से अपने दोस्तों के साथ में इस कार्य के लिए जो भी कार्य है। तो बच्चों कंसेप्ट ये, कैन नॉट हेल्प, गो ऑन, गिव अप, फॉन्ड ऑफ, इट इज़ नो यूज, ठीक है, इट इज़ नो गुड, ये ऐसी कुछ वर्ड है, ऐसी क्लॉजेज हैं, इनके बाद जो भी वर्ड आता है वो जो है जीरंड की फॉर्म में होगा। तो गो आएगा, गोइंग का हम प्रयोग करेंगे, गोइंग होगा। आपने न्यूज़पेपर के अंदर एक सेंटेंस पढ़ा होगा या मीडिया में देखा होगा, आई कैन नॉट हेल्प लाफ या लाफिंग, लाफिंग, कि मैं अपने आप को हंसने से नहीं रोक पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर कैन नॉट हेल्प जहाँ पर भी आता है सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट हमारा वी हो गया, तो जो वर्ड होगा वो जीरंड की स्ट्रक्चर में होगा। तो बी मैनर हुआ, गो के स्थान पर गोइंग का प्रयोग करेंगे, और कंसेप्ट कहाँ से लिया है? वर्ब एडवांस से। बात क्लियर हो गई? सो एट द सेम टाइम आई एम लेटिंग यू नो कि किस चैप्टर से इस कंसेप्ट को हमने लिया है। सेकेंड पाइए, हैविंग सेड सो शी प्रूव्ड हर कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है? नॉलेज। इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेट ऑफ अफेयर होता है मैटर या विषय। तो बच्चों हैविंग के साथ जब भी V3 आता है तो पहले तो हम ये समझ लें, ये है क्या? ये हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में जो एरर आता है तो वो देख लीजिए कि हैविंग सेड सो, ये हमारी फर्स्ट क्लॉज हो गई, फर्स्ट क्लॉज यहाँ तक लगा लीजिए जहाँ तक कोमा है। तो प्रत्येक क्लॉज को अपना मीनिंग जस्टिफाई करने के लिए एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है जो हम सेकंड क्लॉज से बोरो करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे और इसको हम जोड़ कर देखेंगे तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, ठीक है, शी हैड सेड सो, आफ्टर शी हैड सेड सो शी प्रूव्ड हर कॉग्निशन इन दिस स्टेट ऑफ अफेयर। तो ये सब्जेक्ट जो है दोनों में एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, यहाँ पर भी अप्रोप्रिएट है और सेकंड क्लॉज में भी अप्रोप्रिएट है। ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, जो मैं क्लास में अपने में हमेशा विस्तार से समझाता हूँ, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस जो होता है बच्चों, ये कहीं ना कहीं रेफर करता है, संबोधित करता है दोनों क्लॉजेस को। तो यहाँ पर एरर हमेशा, जब भी चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। और चेक करने का सिंपल तरीका है, इसको पहली क्लॉज के साथ अटैच करके देखिए, अगर मीनिंग सही आता है तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आपका करेक्ट है जिसका एरर पेपर में पूछता है, और अगर मीनिंग नहीं आता है, यहाँ कोई निर्जीव चीज़ होती तो निश्चित तौर पर वो कोई निर्जीव चीज़ किसी बात को नहीं कहेगी, ठीक है। तो निश्चित तौर पर एरर किसका होता? फिर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का। और जब भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का एरर होगा हमेशा ए में होगा, हालांकि इसमें तो कोई एरर नहीं है, सेंटेंस हमारा एक्यूरेट है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये होगा हमारा वर्ब एडवांस का। ये भी बीइंग ए वार्म क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होती है? जलवायु। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टे, हमारे लिए मुश्किल था वहाँ ठहरना क्योंकि जलवायु वहाँ पर गर्म थी। अब आप जानते हैं क्लाइमेट हो, टेम्परेचर तापमान की बात करते हैं, हाइट ऊंचाई की बात करते हैं, डिस्टेंस दूरी की बात करते हैं,
ठीक है जी, इन सभी के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है, इट का हम प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर डिस्टेंस इन सब के लिए, क्लाइमेट के लिए, टेम्परेचर। तो जब सेंटेंस की शुरुआत बींग से होती है बच्चों, तो बींग भी हमारा किसमें क्या क्या कंसेप्ट है, एक प्रकार से पार्टिसिपल का कंसेप्ट है। तो हम जो है क्या कॉपी करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या है, इट बींग कहिए या इट वॉज कहिए, हम इसमें बींग में वॉज छुपा होता है, तो अगर हम जोड़ कर देखते हैं, इट वॉज ए वार्म क्लाइमेट, ठीक है जी, बींग के स्थान पर वॉज हमने ले लिया, इट वॉज ए वार्म क्लाइमेट। और वॉज ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ से पता चल रहा है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टे, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इट जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, जो दोनों क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है, दोनों क्लॉज में सही तरीके से प्रयोग हो रहा है, उस आधार पर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। बात समझ जी, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होता, ही शी, ठीक है, या किसी का नाम होता, तो फिर एरर किसका होता, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का, क्योंकि क्लाइमेट को अगर हम डिफाइन करने की बात करेंगे, व्यक्त करने की बात करेंगे, तो केवल एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से हो सकती है, वो कौन सा है, इट। बात समझ गए, तो सेंटेंस में नो एरर, देयर वॉज नथिंग टू कंप्लाई इन दिस कंटेक्स्ट। अब इस सेंटेंस का पी मतलब बनाना है, पी क्या होता है, पैसिव वॉइस, तो पी क्या है, पैसिव वॉइस, मैं ये मिटा देता हूँ तभी पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये देखिए मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं इसका ऊपर पैसिव वॉइस बना पाऊँ, नीचे स्पेस नहीं है इतना, समझ लीजिए इसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ की बजाय ऊपर बनाते हैं, यहाँ ले लीजिए पी, पैसिव वॉइस। जब सेंटेंस की शुरुआत देयर वॉज या देयर इज से हो और सेंटेंस के बीच में इस प्रकार से इन्फिनिटिव आ जाए, तो हम कैसे करेंगे, इस प्रकार के क्लॉज को कैसे बनाएंगे, तो इसको आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए, देयर वॉज नथिंग का नथिंग हो गया बच्चों, ये पैसिव वॉइस बना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और जल्दी मेंस के लिए एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के उन रूल को मैं डिस्कस करूंगा बोर्ड पर, जो टीचर आमतौर पर क्लास में नहीं टीच करते हैं, उनको अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस चीज़ को, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। देर वॉज नथिंग टू बी कंप्लाइड, इन दिस कंटेक्स्ट इसको ऐसे कॉपी कर दीजिए, इन दिस कंटेक्स्ट क्या होता है बच्चों, इस संदर्भ में या इस विषय में, ये इसी का पैसिव वॉइस हो गया ऊपर। तो हमने क्या किया, इस पूरे क्लॉज में कुछ नहीं किया, केवल हमने इन्फिनिटिव को सॉल्व किया है, और इन्फिनिटिव कैसे सॉल्व हुई है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो ऐसे क्लॉज, ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, जिसमें सेंटेंस की शुरुआत देर इज या देर वॉज से हो, कि केवल इन्फिनिटिव को सॉल्व कर देंगे, बाकी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, मैं आपको दे रहा हूँ, देर इज नथिंग टू से, तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, देर इज नथिंग टू बी सेड। तो हमारा जो इन्फिनिटिव है वो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। सब प्यारे बच्चों को समझ में आया, तो नाइन्थ वॉल्यूम था हमारा, जिसको यहीं वाइंड अप करेंगे नाइन्थ वॉल्यूम को, और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम क्या लेके आएंगे आपके लिए, वॉल्यूम नंबर 10। तो 10 वॉल्यूम की ये डेयर टू सॉल्व जो सीरीज है, अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो मुझसे आप जुड़िए इस पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन ना करें, ठीक बच्चों, आज तो इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच।